मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5.25 सरफेस केमिस्ट्री एनसीईआरटी सॉल्यूशन। नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट आर मिसाइल्स, जिसके बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चंस में कई बार बात कर चुके हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ मिसाइल सिस्टम। अगर हम बात करें मिसाइल्स के बारे में, तो मिसाइल्स किस तरह के सब्सटेंस होते हैं? अगर ये लो कंसेंट्रेशन में है तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट तो पता है ना, जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और अगर ये हाई कंसेंट्रेशन में है तो हाई कंसेंट्रेशन में किसकी तरह बिहेव करते हैं? ये कोलाइड की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? कोलाइड्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अभी कोलाइड कैसे बनाते हैं? जो आपको पता ही है कि जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं उनमें मेनली दो पार्ट होते हैं। एक तो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जो कि पानी से दूर भागता है, और एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि पानी से प्यार करता है, उसके नजदीक जाता है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये इस तरह से हम कार्बन्स को दिखा सकते हैं, और जब पानी में इसको घोलते हैं तो ये नेगेटिव पार्ट इधर आ जाता है, पॉजिटिव अलग हो जाता है। तो जब भी ये जो मिसल्स क्या होती है, जब हाई कंसेंट्रेशन होता है तो ये एग्रीगेट हो जाती है। कैसे? जो भी फैट और ग्रीस होता है उसके चारों तरफ ये इस तरह से एग्रीगेट हो जाती है, माने इकट्ठी हो जाती हैं। और इसी तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? मिसल बोलते हैं। और इस तरह से ये मिसल फॉर्मेशन होता है। तो जब ये मिसल फॉर्म हो रही है सोपर डिटर्जेंट के थ्रू, तो दे कैन फॉर्म आयंस एंड मे कंटेन 100। तो ये जो मिसल नजर आ रहे हैं एक में, इसमें 100 और मोर देन 100 आपके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स मिसल की फॉर्मेशन करते हैं। तो गिवन एग्जाम्पल ऑफ मिसल सिस्टम, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मिसल सिस्टम।